तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन-ए-गिरामी, इंसान अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल है। अल्लाह पाक ने हमें अकल जैसी नेमत से नवाजा है जिसे हम सोच समझ कर फैसला करते हैं, और आए दिन नित नई इजादात का सहरा भी हजरत इंसान के सर जाता है। इब्ने आदम आए रोज ऐसी ऐसी इजादात कर रहा है जिनकी बदौलत दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जिनको देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाए। ऐसी एक इंसानी इजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई जहानत है। ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले करने के काबिल बनाया गया है। लेकिन क्या एक कंप्यूटर को इस तरह के इख्तियारात देना बेहतर है? क्योंकि अगर ये कंप्यूटर गलत हाथों में चला जाए तो इसके काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इससे कबल कि हम इस मौजू की गहराई में जाने की कोशिश करें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन चलकर आज के इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। मौजूद ख्वातीनों हज़रात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजरत इंसान की अब तक की गई सबसे दिलचस्प ईजाद है जो कि शायद आगे चलकर इंसान की सबसे बेहतरीन ईजाद साबित होगी, क्योंकि हम इंसानों ने इसे इस तरह बनाया है कि यह अब खुद ब खुद अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगा हुआ है। ये मशीन हर रोज अपने आप कुछ नया सीख रही है ताकि ये इंसानों से भी बेहतरीन बन सके। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर इंसानों की दोस्त बनेगी या दुश्मन, ये हम अभी नहीं कह सकते। मगर एक बात जो हम दावे के साथ कह सकते हैं वो ये है कि बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बने रोबोट्स इंसानों की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बनाकर इंसानों ने अपने खात्मे की बुनियाद रख दी है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर किस तरह काम करेगी इसके बारे में बात करने से पहले बेहतर है कि हम इसके आगाज के बारे में जान लें कि इसे किसने और क्यों और सबसे पहले बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साल 2007 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगाज का दौर था। इस दौर में अमेरिकी साइंसदान काई फूली की निगरानी में एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फीफीली ने कई सालों के तजुर्बात और रिसर्च से एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया जो कि इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में मौजूद तस्वीर को पढ़कर समझने के काबिल था। यानी कि अगर उस प्रोग्राम को एक तस्वीर दिखाई जाए जिसमें आपके हाथ में कुछ सामान हो और आप कोई काम कर रहे हो तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी उन तमाम हरकत को खुद समझकर स्क्रीन पर नतीजा दिखा देगा, जो कि अब तक की सबसे हैरान कुन ईजादात में से एक है। आप इस ईजाद के बारे में कह सकते हैं कि ये वो वक्त था कि जब इंसान ने मशीन को भी देखने, समझने और खुद मुख्तार फैसले करने के काबिल बना दिया था। आम लफ्जों में कहें तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इंसान ने मशीन को आंखें और अक्ल अता की है। इस ईजाद से कबल कहा जाता था कि तमाम तर मशीन्स और कंप्यूटर अंधे हैं, लेकिन इस ईजाद ने उन्हें एक नया रास्ता दिया जो कि अभी भी तरक्की की तरफ गामजन है। इस पहले प्रोग्राम का नाम इमीजेंट रखा गया। इसने कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब ही बदल कर रख दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कई साल गुजरने के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में तब्दीलियां और तरक्कियां आती गईं, यहाँ तक कि हजरत इंसान ने अपने जैसा यानी इंसानी रोबोट भी बना लिया जिसका नाम सोफिया रखा गया। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस सोफिया नामी रोबोट को सऊदी अरब में किसी आम रिहायशी की तरह एक मुकम्मल बाशिंदे का दर्जा दिया गया है। इसे कानूनी तौर पर सऊदी अरब के वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो कि किसी आम शहरी को मिलते हैं। ये वो वक्त है जब टेक्नोलॉजी ने इंसानों और मशीनों को एक तराजू में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वो दौर है जिसमें साइंसदानों का एक बड़ा तबका इस तरह के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलोन मस्क जैसे अफराद भी मौजूद हैं, जिनकी कंपनी ओपन एआई और न्यूरालिंक दुनिया के सबसे एडवांस और महफूज कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने पर काम कर रही है।
एलोन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक एक दिमागी एम्प्लॉयमेंट एबल मशीन बना रही है। ये एक तरह की चिप है जिसका मकसद इंसानी दिमाग की नशोनुमा को तेज करना है, जिसकी मदद से इंसान खुद को तेजी के साथ तरक्की की जानिब ले जाने में कामयाब हो जाएगा, ताकि इंसान कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहानत और काबिलियत के मवाजने में पीछे ना रह जाए और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काबू में रख सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंसान जिस कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में करोड़ों की मालियत और अपने दिन रात की मेहनत सर्फ कर रहा है, वो अपने इस प्रोग्राम से खौफ ज़दा भी नजर आ रहा है। हजरत इंसान को अपनी इस ईजाद से ये डर भी है कि कहीं वो इससे आगे ना निकल जाए और खुद मुख्तारी हासिल करने के बाद इंसानों पर ही हमला ना कर दे। हैरानी वाली बात यह है कि इंसान जिस चीज से डर रहा है वही चीज बनाना भी चाहता है, और ये बात अकल से बालातर मालूम होती है। नाज़रीन ग्रामी, न्यूरालिंक जैसी कंपनी एक चिप बना रही है जिसे इंसानी दिमाग में लगाकर उसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि हर इंसान के दिमाग में कंप्यूटर मौजूद होगा जो उसे टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ ताकतें मुहैया करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी पर अभी साइंसदान काम कर रहे हैं जिसे मुकम्मल होने में अभी शायद वक्त लगेगा, और जब तक इस तरह की चिप ईजाद होगी तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगियों पर अपने गहरे असरात मुरतब कर चुकी होगी। आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा रोबोट्स और दीगर मशीनें इंसानी नौकरियों का 60% हिस्सा अपने नाम कर चुके होंगे। यानी अब जिस जगह इंसान काम कर रहे हैं वहीं आने वाले कुछ सालों में रोबोट्स काम करते दिखाई देंगे, और शायद तब इंसानों के पास कोई भी काम करने के लिए नहीं बचेगा। कुछ वक्त पहले ही साइंसदानों ने स्लेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जो कि इंसान के एक्सरे को देख समझकर अपने डेटाबेस में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म में मौजूद किसी भी बीमारी का पता लगाने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर ना सिर्फ बीमारी का पता लगाता है बल्कि उस बीमारी का किस तरह इलाज करना है ये भी बताता है। पहले इस काम के लिए किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी जो कि इंसानी बीमारी को समझकर उसका इलाज बताता था, लेकिन यहाँ सबसे कमाल की बात तो ये है कि चेक स्लेट नामी ये प्रोग्राम किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट से भी कई गुना ज्यादा ठीक तरीके से बीमारी का पता लगा सकता है। हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम को 50 सीने के एक्सरे दिए गए जिनका मुआयना करके उन्हें बीमारी का पता लगाना था। यही काम चेक स्लेट को भी दिया गया, जहाँ माहिर रेडियोलॉजिस्ट की टीम 79% सही बीमारी का पता लगा सकी, वहीं इस चेक स्लेट ने आधे से भी कम वक्त में 85% बिल्कुल सही तरीके से बीमारी का पता लगाकर ये साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में इस तरह के कामों को करने के लिए हमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह की मशीनें सिर्फ मेडिकल की फील्ड में ही नहीं बल्कि हमारे हिफाजती महकमों भी अपनी जगह बना लेंगी, क्योंकि वर्जीनिया ट्रैक नामी एक कंपनी ऐसे रोबोट्स बना रही है जो कि आगे चलकर पुलिस और फौजियों की तरह हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएंगे। ये रोबोट्स इस तरह बनाए गए हैं कि ये हर वो काम करने की सलाहियत रखते हैं जो जंग, जासूसी या फिर किसी कुदरती आफत के दौरान अगर किसी इंसान की जान जाने का खतरा हो तो ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि आजकल कातिल वबा में कोई इंसान दूसरे इंसान के पास उसकी मदद के लिए नहीं जा सकता, लेकिन ये रोबोट्स उनकी मदद कर सकेंगे, वो भी इस बीमारी को फैलाए बगैर। इन मशीनों को बनाने का मकसद इंसानों की जान की हिफाजत करना है। इससे शायद इंसानी जिंदगियां तो बच जाएं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे रोजगार भी खत्म हो जाएंगे जिनके जरिए इंसान अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। यानी कि जब इन मशीन्स का दौर शुरू होगा तो हमारी मुकम्मल हिफाजत का जिम्मा इन मशीनों के कंधों पर होगा, लेकिन ये खुद मुख्तार रोबोट्स जो अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखते होंगे वो इंसानों की हिफाजत करेंगे भी या नहीं, और उनका इंसानों के साथ किस तरह का रवैया होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन ग्रामी, तमाम ममालिक की सड़कों पर आपने सामान लाने ले जाने वाले ट्रक तो देखे ही होंगे जिनको माहिर ड्राइवर चलाकर एक जगह से दूसरी जगह सामान को हिफाजत से पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन ये काम भी बहुत जल्द इंसानों से छीन लिया जाएगा, क्योंकि चगाशा इंटेलिजेंस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जैसे इदारों ने ऐसे कंप्यूटर सिस्टम ईजाद कर लिए हैं कि जिनकी मदद से गाड़ी को बगैर किसी ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों का भी ध्यान रखते हुए हिफाजत के साथ ड्राइव करते हैं, जिससे एक्सीडेंट ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
माहरीन ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी एक रोबोट या इंसान इन सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर सका और उसका इस्तेमाल इंसानियत के खात्मे के लिए करना शुरू हो गया तो इससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो ये रोबोट्स इंसानों से उनकी नौकरियां और उनके कारोबार पर कब्जा कर लेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये रोबोट्स इंसानों को खत्म करना भी शुरू कर देंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने तमाम दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो के हवाले से नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।